जनपद मैनपुरी के एशिया इंटर कॉलेज ग्राउंड कोसमा में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की जनसभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेशों का केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से उपलब्धियां गिनाई। तो वहीं समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2022 में अब की बार फिर से बीजेपी की सरकार बनना तय है और मैनपुरी की जनता बीजेपी की चारों प्रत्याशियों को जिताकर समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करेगी। मैनपुरी से ही नहीं पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होना अब तय हो गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी और जमीनों पर कब्जे होना आम बात थी। उनकी सरकार में बलात्कार, डकैती, अपहरण जैसी घटनाएं आए दिन होती थी, लेकिन पूरे प्रदेश में बीजेपी की सरकार 5 साल से चल रही है। कानून व्यवस्था कड़ी होने के चलते अपराधों में कमी आई हुई है, महिलाएं सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि अब की बार सरकार बनी तो पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी। उन्होंने कहा कि करहल विधानसभा से एसपी सिंह बघेल को जिताने का काम करेंगे। केंद्र व प्रदेश सरकार करोड़ों महिलाओं को गैस सिलेंडर, किसानों को सम्मानित के रूप में 6,000 रुपए वार्षिक रुपए देने का काम केंद्र सरकार ने किया। तो वहीं कोरोना काल में वैक्सीन के अलावा सभी को राशन वितरण कर प्रदेश सरकार में जिंदा रखने का काम किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। अब आपको तय करना है उनको जेल में रखना है या बेल पर बाहर निकालना है, बताओ क्या करना है, क्या करना है? अरे भाई, नरेंद्र मोदी के राज में कोई बाहुबली नहीं है, भाजपा के राज में कोई बाहुबली नहीं है, उत्तर प्रदेश में है बजरंग बली है। पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। डकैती में 72% की कमी लाए हम, लूट में 62% की, हत्या में 31% की, बलात्कार में 50% की कमी आई है। मित्रों, उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की जनता का प्रदेश, 8वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, 5 साल में योगी जी ने उसको 2रे नंबर की अर्थव्यवस्था।